brain. जल्द आ रही है इस साल की सबसे बड़ी मूवी अटैक ऑफ द 50-foot स्लग। ये पॉपकॉर्न उठा उठा के चलना बहुत ही मुश्किल काम है जी। वैसे मैं लकी हूँ कि मेरे पास टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न है। पॉपकॉर्न ना हो तो मूवी देखने का मजा नहीं आता। मजाक कर रहे हो कॉर्ड, ये जगह तो कमाल की है। बिल्कुल सही, जायंट स्क्रीन, जबरदस्त साउंड, स्नो डांस गुफा की बात ही कुछ और है। यहाँ आइस मॉन्स्टर्स भी हैं। आइस मॉन्स्टर्स, वो क्या है? वो मॉन्स्टर्स जो बर्फ का गोला बनाते हैं? आइस मॉन्स्टर्स मांसाहारी प्राणी होते हैं जो ग्लेशियर में रहते हैं। ओह अच्छा, तुम्हारी बात सुनकर तो मैं डर गया। फिक्र मत करो, ठंडियाँ चल रही हैं, वो कहीं सो रहे होंगे। मैं आ गया। आखिरकार सफर कितना भी लंबा हो पर देखा इस वाहन प्रांतों ने अपनी मेहनत से ये सफर को कितना आसान बना दिया। क्या करता, सफर इतना लंबा था ना कि चलते चलते मैं थक गया और ये सारे पॉपकॉर्न अकेले ही खा गया। अगर तुमने मुझे अभी पॉपकॉर्न लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ओ नहीं भैया, तुम तो इससे वापस ही नहीं आ पाओगे। सिर्फ एक मेलानॉइड ही उस लंबे और कठिन सफर को पूरा कर सकता है जी। मूवी शुरू हो रही है। तो हम मिल ही गए, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक स्लग है या फिर दो। कुछ भी, तुम ब्लास्टर को इस तरह नहीं पकड़ सकते, इससे निशाना चूक जाएगा। तुम मैक्स जैक्सन को सिखाओगे कि ब्लास्टर कैसे पकड़ते हैं? वो सबसे बड़ा मूवी स्टार है और कहते हैं कि डायरेक्टर्स कभी भी उससे वैसे एक्टिंग नहीं करवा सकते जैसे वो चाहते हैं। उम्मीद है तुम कर पाओगी। हाँ, वैसे इतने बड़े स्टार के साथ काम करना उस लगनेट के लिए वीडियो बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। पर कहीं तो किसी दिन मेरी शूट की गई मूवी भी उस जायंट स्क्रीन पर आएगी। साइड में हो जाओ, मुझे दिख नहीं रहा। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ अपना मैका खड़ा कर सकता हूँ और मैं वही खड़ा करूँगा जहाँ तुम हो। हे शांत हो जाओ, मुझे मूवी देखने दो। क्या हूला गैंग? शेन गैंग? ओह, लगता है हम दोनों में से कोई एक ही बचकर जाएगा। देखो बिली, हम बस यहाँ मूवी देखने आए हैं। मैं लड़कर मूवी का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। ठीक है, तो क्यों ना कुछ और गेम खेले। इस लड़ाई की फिल्म जरूर उतारना कैमरा वाली लड़की। मैं चाहता हूँ कि सब जाने कि हूला गैंग ने शेन गैंग को कैसे हरा दिया। बिली, हम यहाँ लड़ नहीं सकते, किसी को चोट लग सकती है। किसी को मतलब तुम्हें। अरे वाह, मुझे लगता है कि मैं पिक्चर की अच्छी अच्छी चीजें मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम्हारी वजह से डॉक्टर ब्लैक ने हमें काम से निकाल दिया था। तुम्हें उसके साथ काम करना ही नहीं चाहिए। कॉर्ड, थैंक्स। तुम बचोगे नहीं जैक्सन। तुम नहीं बचोगे शेन। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम क्या कर रहे हो? उन दरारों को देखो, अगर ये छत टूट गई तो हम इस बर्फ के पहाड़ के नीचे दब जाएंगे। इलाज अब तुम गए काम से शेन।
रुको, हमें बाहर चलकर लड़ना होगा बिली। अगर वो बर्फ की दीवार गिर गई तो हम उसके नीचे दब जाएंगे। मैंने कहा था जब तक मैं नहीं जीतता तब तक नहीं रुकूंगा। अब अगर तुम सरेंडर करते हो तो ठीक है। रुको, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। लड़ाई खत्म, ठीक है? तुम जीत गए, गोली मत चलाओ। देखा तुमने, मैं जीत गया, मैंने शेन गैंग को हरा दिया। तुमने सुना नहीं कि इलाई ने क्या कहा? बिल्कुल सुना मैंने, उसने कहा मैं हार गया। इलाय, हमें शांत हो जाना चाहिए। उस दीवार की दरारें बढ़ती जा रही हैं, जिससे छत हम पर कभी भी गिर सकती है। हम तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि मुझे लगता है तुम जो कहना चाहते हो वो मैं समझ गया हूँ। लगता है उनके सोने का वक्त खत्म हुआ। तो भैया, मैंने क्या क्या मिस किया? प्रांतो! मुझे पता है यहाँ का सरण सरण लाजवाब है, पर मुझे किसने बताया नहीं कि यहाँ के एक्ट्रा को सुन भी सकते हैं, और इसके स्पेशल इफेक्ट्स तो लाजवाब है ना, वो भी बिना चश्मे के। कोलो भाई, बचाओ मुझे, तुम तो भागे भागो भैया। नहीं दोस्तों, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने सही कहा, भागने में ही भलाई होगी। ए तुम, हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लगता है उसे मैक्स जैक्सन की एक्टिंग पसंद नहीं आई। चलो जल्दी आ जाओ, लड़ो मुझसे। इस मूवी को क्या हुआ? हे मैन, पिक्चर खत्म हो गया है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलो तुम लोग। हाँ हाँ, जल्दी करो, तुम लोग आखिरी हो, बात को समझो। नहीं समझे ना? शायद हमें रिफंड मिलना चाहिए मियां। चलो जल्दी, अभी तो हिसाब बाकी है। तुम कोई बात को छोड़ नहीं सकते। मैं बात छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, ये मुझे दे दो। तुम्हारे पास सबूत है कि मेरी गैंग शेन गैंग से बेहतर है। जब मैं वो वीडियो स्लगनेट पर चलाऊंगा तब सबको पता चल जाएगा। इलाई ने लोगों को बचाने के लिए द्वंद्व युद्ध करना छोड़ दिया। आओ, और अब उसे देखो, एक बेकसूर को बचा रहा है और तुम फ्लॉपर स्लग की तरह तमाशा देख रहे हो। तुम बस मेरी फिल्म उतारती रहना, मैं दिखा दूंगा कि मैं उससे बेहतर हूँ। अब हम क्या करें, स्लग के हिट करने से वो बड़ा होता जा रहा है। तो हमें होशियारी दिखानी होगी। चलो, अच्छी खबर है, हमें पता चल गया सिर्फ स्लग मारने से वो बड़ा नहीं बनता, गुस्सा आने के बाद बड़ा बनता है। ये अच्छी खबर है। सुनो सब, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। देखो कैसे शेन गैंग डर कर भाग रही है। रुको, नहीं, तुम क्या कर रहे हो? ये साबित कर रहा है कि वो तुमसे बेहतर है। हाँ, बेहतर जरूर है, पर उस मॉन्स्टर को बड़ा करवाने में। ऐसे स्लग्स उस मॉन्स्टर को गुस्सा ही दिलाएंगे मैन। अगर उसे काबू करना है तो स्लायरन स्लग का गाना उसे सुनाना ही पड़ेगा। स्लग? अब वो स्लग हमें कहाँ मिलेगा? ओ, वहाँ उनका पूरा का पूरा झुंड है मैन, और वो वहाँ सालों से रहते हैं। तुम जाओ, हम उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। इससे वो काबू में आ सकता है। चलो चले। तुम फिल्म तो उतार रही हो ना? हर एक छोटी चीज। मैं चाहता हूँ कि सब देखे कि कैसे हुला गैंग ने इस मॉन्स्टर को रोका और वो इलाय शेन एक मुर्गे की तरह डर कर भाग गया। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं, हम फंस गए हैं, बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्या मैं अकेले ही इस चीज से निपट रहा हूँ?
अपने आप को बचाओ, सब लोग स्नैक शैक में चलो। हमें उस लायरेंस लग को लाना ही होगा। हमारे पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं। अगर हमने इन दरारों को नहीं भरा और अगर ये गिर गया तो पूरी गुफा इसमें समा जाएगी। इलाय तो ऐसा गौरा जी कि हमको यहाँ से निकलना चाहिए। चलो मैं गड्ढा खोदता हूँ, पर मुझे मदद चाहिए होंगी ना। तुम सब चुप नहीं रह सकते, कितना बोलते हो, मेरा निशाना बिगड़ रहा है। ये काम नहीं करेगा, तुम सुनते क्यों नहीं? हाँ सही कहा, मैं तुम जैसे हारे हुए लोगों की बात नहीं मानूंगा। देखा, उन्हें जाने दो, इससे शायद वो उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाएंगे। मैं स्लायरिन स्लग को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोग बाकी सब संभालो। गाना, हमें जल्द से जल्द मुश्किल रास्ते से ऊपर जाना होगा। ये कितना चिपचिपा है। ओ नो, ए कैमरा वाली लड़की, यहाँ देखो, क्या मैं दिख रहा हूँ? रुको, तुम उसे हमारे और करीब ला रहे हो। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें यहाँ आकर मेरी फिल्म उतारनी होगी। हम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे, है ना? पता नहीं अचानक मैं इतना थक क्यों गया हूँ। शुक्रिया बॉबी, शायद उस गाने की वजह से नींद आ रही थी। स्लाइड एंड स्लग्स, चलो। हे छोटू स्लग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं जाग गया हूँ। और बदकिस्मती से ऐसा लगता है अब इनके नाश्ते का वक्त हो गया है। है तो अब मेरे पीछे आओ। अब मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने ये वाली फुटेज ली? बिल्कुल मैक्स जैक्सन जैसे, है ना? क्या तुम बड़ा होना बंद करोगे? काश वो एक एक्टर होता तो हम उससे जैसा चाहे वैसा तो करवा सकते। हाँ, अगर हमारे पास एक मूवी डायरेक्टर होता तो। हाँ, हम इस मामले में लकी हैं। मैं करूंगी उसे डायरेक्ट। ये तो बिल्कुल मैक्स जैक्सन जैसा ही था। हाँ, मुझे पता है। मुझे मानना पड़ेगा, तुम नेचुरल एक्टर हो, तुम कैमरा में बहुत आकर्षक दिख रहे हो, एक फिल्म स्टार की सारी क्वालिटीज हैं तुम्हें। सिवाय सिवाय किसके? कुछ तो है जिससे बात नहीं बन रही। तुम तीनों सिर्फ एक मॉन्स्टर से लड़ रहे हो।
क्या तुमने बैडर देन बैड मूवी देखी है? सिर्फ 15 बार। मैंने 16 बार देखी है। संभल कर। क्या मैक्स को कभी कोई मदद करता है? कभी नहीं, मैक्स जैक्सन हमेशा अकेले लड़ता है। बिल्कुल सही, तुम्हारे दोस्त सारी फुटेज ले रहे हैं, मैं तुम पर फोकस ही नहीं कर पा रही। उनसे कहो कि वो सुरंग को खोदे और दरारों को भर दे, मैक्स जैक्सन बनने का ये अच्छा मौका है। हाँ, मैं स्टार हूँ वो नहीं। ठीक है, ए, मेरी बात सुनो। चश्मेश, मेरी बात ध्यान से सुनो, उन दरारों को भरो और तुम हा? वो प्रॉन्टो जो कर रहा है वो करो। एक्टर्स सरासी तारीफ कर लो और उनसे कुछ भी करवा लो। और एक्शन। hey, कमजोर जानवर, तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो? कैसा रहेगा अगर तुम ये बर्फ खाओ और सरेंडर करो? तुमने देखा, मैंने उसे बर्फ खाने कहा, मैं कितना फनी हूँ ना। मैं बिल्कुल एक एक्शन हीरो की तरह हूँ। हाँ, लेकिन एक्शन हीरोज हमेशा जीतते हैं। तो बताओ मैं क्या करूँ? रुको, समझ गया, मैं उस पर स्लग से हमला करता हूँ। नहीं, उससे वो और बड़ा हो जाएगा। कैसा रहेगा अगर तुम उसे ना मारो? अगर मैं उसे मारूं नहीं तो क्या करूँ? मुझे नहीं पता, मैंने मैक्स जैक्सन को ऐसा करते नहीं देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यही तो एक आर्ट है, एक छोटा सा पॉपकॉर्न बड़े से बड़ा काम करता है। मेरे पास अच्छा आइडिया है, मैं उसे रैमस्टोन स्लग से हरा देता हूँ। नहीं! हम तो गए। ट्रिक्सी! हम बच गए। नहीं, तुमने पहले ही सही कहा था, हम नहीं बच सकते। उसके पास क्लाइंस लग है, शूट करो। नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ ये एक ही है। ठीक है, तो हमें सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ लाना होगा और फिर हम उन सभी को एक साथ शूट कर सकते हैं। हाँ, सही कहा। तो अगर ईलाई हीरो है तो फिर मेरे लिए क्या है? तुम यहाँ से बच निकलोगे उतना काफी नहीं है? बिली रुको, भागो, प्रोजेक्शन रूम में चलो। हमें एक नया प्लान बनाना होगा। मैं सभी मॉन्स्टर्स पर स्लाइडर नहीं चला सकता हूँ क्योंकि आधे तो बिली के पीछे दौड़ रहे हैं। मैंने बिली से पहले भी मदद करवाई और अब भी करवा सकती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये सिर्फ एक 5000 किलो का मॉन्स्टर ही तो है। जो भी करना है जल्दी करो ट्रिक्सी। ए, कमजोर जानवर, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कूल हो? कैसा रहेगा अगर तुम ये बर्फ खाओ और सरेंडर करो? क्या देखा तुमने, मैं जीत गया, मैंने शेन गैंग को हरा दिया। मैं चाहता हूँ कि सब देखें कि हूला गैंग ने मॉन्स्टर्स को कैसे रोका। तुमने वो देखा, मैं जीत गया। जैक्सन भी इससे अच्छा नहीं कर पाता। देखो मियां, मैं कर सकता था लेकिन मैं इससे भी खतरनाक कामों में लगा हुआ था ना, और वो था यहाँ से निकलने का रास्ता। जो ये है,
कहा। ग्लेशियर की दरारें भी भर दी गई हैं, पत्थर की तरह कड़क और मजबूत। हे, और तुम्हारी मूवी भी बड़े पर्दे पर लग गई। हाँ, क्यों नहीं, अब तो हमें एक असली मूवी डायरेक्टर भी मिल गई है। शुक्रिया, पर अगली बार मेरी फिल्म के कलाकार अच्छे होने चाहिए। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ और मेरे सारे स्लग्स भी। शुक्र है कि सब खत्म हो गया। अभी तक नहीं। चलो भी बिली, सब खत्म हो गया है, हमने मॉन्स्टर्स को शांत कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, मैं उस पर्दे पर था, तुमने सिर्फ देखने का काम किया। मैंने ही सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ मारा, तो वो मैं ही हूँ जिसने सबको बचाया। और जब सब ये फिल्म देखेंगे कि मैंने क्या किया, तब कोई नहीं सोचेगा कि शेन गैंग मेरी गैंग से बेहतर है। तो वो कैमरा मुझे दे दो, नहीं तो मुझे तुम्हें फिर से सबक सिखाना होगा। कोई बात नहीं बिली, बस एक और चीज है जिससे लोगों को पूरी तरह यकीन आ जाएगा। हुला गैंग मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़े होकर अपनी जीत का ऐलान करेगी। चलो, शेन गैंग में कोई तो है जो स्मार्ट है। चलो दोस्तों, याद रखना, अच्छे एंगल से शूट करो। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, हर साइड में सिर्फ मैं। रुको, मुझे नींद क्यों आ रही है? पता है, ये तुम्हारा अब तक का सबसे अच्छा काम था। हाँ, मैं इसे सबको दिखाने के लिए बेताब हूँ जब मैं इसे स्लगनेट पर अपलोड करूंगी। और बैकअप।